होई दी और ट्रेन कीते दे उंदे फोन फिलहाल स्विच ऑफ आ दे न। और अगर अस एक खबरी मंच है ते तुस सुन सकदे पहले ए राजन सिंह हुंदे कन्ने गलबात करने की कोशिश करा दे हे ए नंबर उंदा स्विच ऑफ आ दा। और ए भी खबर है कि 10 बजे कोले लिया है ते 11 बजे विच कुदा उन्हें शिफ्ट करने की गल चला दी है। इसलिए मैं सुरेंद्र सिंह गिल्ली हुणे जिहड़ा फोन करने की कोशिश करा दा और तुस देख सकते हो विजुअल च भी नंबर जिहड़ा है वह नहीं लगा दा। उन्दे प्रधान बिक्रम सिंह चिब होर उन्हें फोन करने आ कल भी इंदे कोला फोन जिहड़े ने ले लेदे हे और बाद फिर दुपहरी दे जुड़े हे लेकिन हुण खबर भी आ रही कि उन्हें कुदा और शिफ्ट किया जा रहा और कुत्थे शिफ्ट करा दे कोई इस दे बारे जे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जरूर चाहंग कि इस वीडियो ज़्यादा लाइक ते शेयर करियो क्योंकि पहली बारी तुस जिहड़े मैं तुंदी जिंदी गलबात करान जा रहा ए पंखुरी राजपूत होर न राजन सिंह हुंदी बेटी और उंदे कन्ने कन्ने उंदा बेटा और उंदा पूरा परिवार तुस दिख सकदे इसलै बैठे दे महाराज हरि सिंह हुंदा फोटो इत्थे लगे दा है। मैं जरूर चाहंगा एक बारी कैमरा भी तुस इधर घुमकाओ और दसो इन्हें सारे कि इंदा परिवार और पंखुरी का क्या आखना है कुसलै लास्ट बारी इन्हें जिहड़ा है वह राज सारे को पहले ये जान कि केड़ी क्लास च पढ़ते केड़ी क्लास च पढ़ते हो। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूं। 6th क्लास में पढ़ते हो। पापा कहां आपके? पापा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में क्यों? क्योंकि उन्होंने टोल प्लाजा के लिए प्रोटेस्ट किया था इसलिए इनको पुलिस स्टेशन लेके गए। आपको कैसे पता चला वो पुलिस स्टेशन में है? दोपहर को जब मैं स्कूल से घर पे आई थी तब मैंने न्यूज़ देखी थी। न्यूज़ से पता चला? हां। ऐसे नहीं पता चला? ऐसे नहीं पता। लास्ट टाइम कब पापा से बात हुई थी आपकी? कल हुई थी। कल हुई थी? हाँ। डोगरी आंदी? थोड़ी थोड़ी आती। थोड़ी थोड़ी आंदी है। कल हुई थी? कितने बजे? कोई रात को 9 नौ बजे। नौ बजे क्या आख्या उन्हें? यही बोला था कि अभी मैं वहीं पे हूँ। वहीं पे तब प्रोटेस्ट ही चल रहा था तब उनका। जब गए थे बता के गए थे? हाँ सुबह पहले मैं स्कूल चली गई थी तब पापा घर पे ही थे तब बताया था कि उन्होंने आज जाना है टोल प्लाजा उधर प्रोटेस्ट करने जाना है तब बताया था। तो आपने क्या कहा उनको? तब मैंने ऑल द बेस्ट बोला था कि अच्छे से जाना अच्छे से उधर प्रोटेस्ट। तो सुना दियो इसलिए पंखुरी राजपूतों ने मैं जरूर चाहूंगी वीडियो ज्यादा लाइक ते शेयर करो। एक चीज़ जी सामने आ रही है कि न्यूज़ के माध्यम कन्ने इन्हें पता चला दा कि इंदे फादर जेड़े न राजन सिंह और उनकी पूरी टीम सिर्फ राजन होर ने बाकी वाले भी हैं बाकी पूरी टीम है जो भी कोई ना पता तो है और बाकी वाले दे। हाँ कोई दो तीन सुना के विक्रम सिंह चिब सुरिंदर सिंह गिल्ली विक्रम सिंह और तो तुम देखी सकते हो कि न्यूज़ के माध्यम कन्ने इन्हें पता चला दा और परिवार इसलै मैं उनके बिच बैठे दा इसलिए सारे तुम इयो सोचा दे हो कि टोल प्लाजा पटाना चाहे नहीं पटाना और वो सारे लोग जिहड़े सोचा रहे कि ये जिहड़े डिटेन किए गए हालांकि इंदे उपर जी एफ आई आर रजिस्टर हुई थी। अज असं गल की मनदीप सिंह हुंदे कन्ने जिहड़े बार एसोसीएशन के प्रधान सांबा उन्हें सुनाया कि 8 कोलों 9 बंदे ने जिंदी एफ आई आर लगी है लेकिन उनका परिवार उनके बच्चे जिहड़े ने ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨਾ ਪਾਪਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਹੈ ਕਾਉਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ समाज के हक और हकूकताएं लड़ा दा डोगरा आइडेंटिटी की गल करदा और यह आख्या जा रहा कि सरोह टोल प्लाजा जिहड़ा है वह गलत लगेगा सिर्फ वो नहीं आखते हैं। मैं जरूर सुना कि मैंबर ऑफ पार्लीमेंट युगल किशोर शर्मा और आख्या इन्हों गलत है साबका मंत्री जिस इलाके जे प्रोटेस्ट हुआ था सरोर सांबे के दोनों मंत्री वो भी आख्या कि गलत है मतलब कि ऑफिशियली बयान दिता हालांकि आख्या बड़े सारे न इस कमेंट सैशन च भी बड़े सारे आखा उन्हें गलत है लेकिन सोचो कि इंदे परिवार उपर इस लगी बीता दी हालांकि वो अपने ताए नहीं कुदै गए हैं वो डोगरा आइडेंटिटी ताए गए वो गए कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा और इस कोले बड़ी गल है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा ने भी आख्या कि डिमांड जी है जेन्यून है और इशू जो वर्निंग इशू है
लेकिन 2 दिन भी हुई है ओहदे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा तुसें की लगदा कि टोल प्लाजे ताएं पापा तुंदी लड़ाई सही है जां गलत है? सही है वो लड़ाई, क्योंकि जो टोल प्लाजा है वो 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो टोल प्लाजा है वो 70 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक दूर होनी चाहिए। किसने बताया जी? ये मुझे पापा ने बताया था पहले। तो आपको क्या लगता है वो सही है? हाँ पापा सही है। अगर सही है तो फिर क्यों उनको डिटेन मतलब कि पुलिस स्टेशन लेके गए? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उनकी कोई गलती नहीं थी, पर उनको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। लोग आपको जो सुन रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरे पापा सही हैं तो प्लीज उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वो आज भी वहां पे लोग गए थे टोल प्लाजा के लिए, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं इससे डिस्टर्ब होती? और पढ़ाई भी हो जाती है थोड़ी 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 हो जाती है। पापा की याद आती है? हाँ। कब आती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तब थोड़ी अब इस टाइम पे आती है शाम को। हाँ। क्यों ऐसे भी शाम को आते थे? हाँ, क्योंकि ऐसे भी शाम को ही आते थे घर पे। चिंता हो रही है? हाँ। क्यों हो रही है? क्योंकि पापा मैं उनसे कल ही मिली थी, कल सुबह बात हुई थी, कल शाम को बात हुई थी, पर मिली मैं कल सुबह ही थी, तो फिर चिंता भी हो रही है। चिंता भी हो रही है। अगर पापा सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर उनको डिटेन क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? हाँ, क्योंकि पापा के वो पापा जम्मू के राइट के लिए ही कर रहे हैं कि जम्मू को उसका राइट मिले, पर पापा को पुलिस स्टेशन फिर भी लेके गए हैं, या युवराजपुर सभा के हर मेंबर को लेके गए हैं जो भी उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट था, पता क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी उनमें, वो प्रोटेस्ट जम्मू के राइट के लिए ही कर रहे थे। किसी को कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे ताकि जम्मू के लोगों को इंसाफ मिले, वो टोल प्लाजा वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो 35 किलोमीटर के अंदर जो कि इलीगल टोल प्लाजा बनाया गया है वहाँ पे। इलीगल है, आपको भी पता है इलीगल है, तो सरकार क्यों नहीं हटा रही उसको? पता नहीं। तो देख सकते हो कि उम्र छोटी है, 6वीं क्लास पढ़ते हैं, लेकिन इन्नी जानकारी रखा है कि टोल प्लाजा इलीगल है। बापू इंदे सवेरे गए सुनाइए नहीं गए, शामी गल हुई, एक दिन हो गया पूरा, ऑलरेडी गल नहीं हुई है, और लेकिन फिर भी इतने जेडे नो तुस पहली बारी लाइव वीडियो दिखा, अपनी कमेंट जरूर सुनायो, क्योंकि कल हो सकता टोल प्लाजा पटोई भी जा, परसों पटोई आ, 10 दिन बाद पटोए, हो सकता नहीं भी पटोए, लेकिन ये जो इस संघर्ष चला दा, तुस सारे संघर्ष दिखाए, लेकिन उनके परिवार जेडे नुमाइंदे अपना संघर्ष करा दे, जिसलै वो घर चली गए उसके बाद उनका परिवार किस संघर्ष है, वो तुम तक एक चीज़ दसने की कोशिश करा दे, खासकर राजन सिंह और जिन्हें हमेशा जम्मू के डोगरा की गल चुकी और उन्हें एकजुट होने की गल की, उस एकजुटता तुम देख सकते हो उनका परिवार, खासकर उनकी गुड़िया जी है, इसलिए तुंदे ने गलबात करा दी, तुम्हें सुनाने की कोशिश करा दी। हालांकि इलेक्शन पर कुछ आखना चाहोगे? तुम्हें फादर साहब ने कुछ आखिया इलेक्शन उपर कदम? ये कि एलजी साहब को यही कहना है कि अपना जो भी दम है वो असेंबली इलेक्शन में दिखाएं, असेंबली इलेक्शन करके दिखाएं, असेंबली इलेक्शन करके दिखाएं। आप चाहते हैं इलेक्शन हो? इलेक्शन होनी चाहिए। कौन कहता होनी चाहिए? पापा भी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ। क्यों, आपने पढ़ा कहीं? हाँ। कहाँ पे? क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट है इलेक्शन का? सिविक्स का। उसमें क्या लिखा है? यही कि अब इंडिया वैसे भी डेमोक्रेसी कंट्री ही है और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री के सिटीजन्स है उसकी वजह से ही कंट्री चलती है, ज़्यादा सिटीजन्स की मानी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा स्विक्स में लिखा है, रटा लगाया पूरा स्विक्स में लिखा है ऐसा? तो फिर यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रही? हो तो रही है, पंच सरपंच सब है यहाँ पे। हाँ, पंच सरपंच की तो हो रही है, लेकिन अब असेंबली इलेक्शन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तुस केह सोचा है, जरूर सुनायो। मैं तो बड़ा केह सोचा हाँ, इसलै एक 6वीं क्लास की गुड़िया आखा ही है असैम्बली इलेक्शन होनी चाहिए है, और जेडे तुहें इंदे फादर साहब, इंदे भ्रा, इंदे साथी अंदर कीते दे न, उंदे उपर जोर नहीं दसो है, अगर जोर दसना असैम्बली इलेक्शन उपर दसो। और दूई गल जी आखा है कि इंदे फादर डोगरे दे राइट्स ताईं लड़ा दे न, अन्याय दे विरुद्ध लड़ा दे न, उस अन्याय तुस कियां दिखदे हो? एक कोशिश की दसने, उंदे वाइफ भी साढ़े कन्ने न, उंदे कन्ने भी जानने की कोशिश करगे कि लास्ट टाइम कुसलै गल होई ही, और जिसलै ओ पता नहीं जियां मैं खबर शुरू की कि उंदे फोन जेहड़े ने स्विच ऑफ आ गए, शायद उंदे कोला खोई लैते गए परतियै, और ओहदे कन्ने कन्ने
उन्हें एक जगह दूई जगह शिफ्ट करा है तो उनके उपर की इसलिए बीता दी है चाहे के सोचते हैं सिर्फ इन गल भी जानने की कोशिश करके लेकिन अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट दस्यो। मैं जरूर जानना चाह कि लास्ट टाइम तुम्हारी गल कुछ ही टेक्निकली फॉल्ट की वजह कन्नै कुदै आवाज की दिक्कत आई जिस दे चलते खेद है मिगी कि अस पूरा इंटरव्यू तुसें नहीं सुनाई सके लेकिन मैं जरूर तुम्हें चाह कि इस वीडियो ज्यादा लाइक तो शेयर करो इन द मेन वाइल कि सानू बिच एक फोन भी आया और ये भी सुनाई ना स्थानीय निवासी ने कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे और उन्हें आख्या कि वह जी शिफ्ट की अस गल करा दे जियां असीं उंदे फोन जिहड़े उंदे कोल खोई लैते गए हैं तो उन्हें सांबे का शिफ्ट करिए हुण जिहड़ा आ शायद कठुआ लिया जा रहा हालांकि ये पर मैं किसी गल की कोई पुष्टि नहीं करता लेकिन कठुए निवासियों का यह फोन आया कि वह उत्थां उन्हें शिफ्ट किया जा रहा और शायद इसलिए भी शिफ्ट करा जा रहा। मैं ये पर भी जरूर लाइट पाना चाह कि अज दपहरी जिसल सांबे गए सांबे गलबात की सांबे के व्यापारी मंडल सांबे के चैंबर सांबे का ट्रांसपोर्टर सांबे के रड़ी फेड़ी आए इस सारे सारे उन्हें मिलने गए थे पहले उन्हें रोकया गया उ मिलने तय बाद जिसल उन्हें इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया और बाद उन्हें जो उतों लिता गया और इभी अनाउंस होता कि कल सांबा जोड़ा आ बंद है चैंबर ने कल बंद की कॉल दी सांबा व्यापार मंडल ने जोड़ा कल सांबा बंद की कॉल दी थी शायद उन्हें यह भी लगता कि कल लोग ज़्यादा उन्हें मिलना आ सकते हैं लोगों की जी लोकप्रियता उनके बढ़ती जा रही है। मैं जरूर एक गल दोहराना चाहा कि शेरे जम्मू कश्मीर राजन सिंह और इसलिए वो सोशल मीडिया उपर लोगों के जोड़ा है काफ़ी ज़्यादा लोगों की जी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता पा रहे हैं लेकिन उनका एक जी मुहिम है टोल प्लाजा के खिलाफ वो चला दी है उस मुहिम के उपर ही जोड़ा है सारा प्रोटेस्ट हो रहा अज सरोर टोल प्लाजा जोड़ा है दोपहरी दो तीन घंटे भी बंद होया उन्हें छड़ने की गलबात की लेकिन हालांकि बाद लाठीचार्ज होया और यह सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन इस लाइव वीडियोज़ जेडे तुस न तुस राजन सिंह हुंदे परिवार च दिखा दे उनकी बेटी पंखरी राजपूत मेरे कन्नै गलबात करें उनके बेटे इत्थे न उनके वाइफ जेडे ने इत्थे न और बड़ी गल है कि अपने बच्चे सुनाई नहीं गए कुत्थे जा रहे सिर्फ यह सुनाया कि टोल प्लाजा और पंखरी जेड़ा अस गलबात कर रहे इसी पूरा पता कि टोल प्लाजा उसे गलत लगे था तुम्हें सुनाया कैली गलत है एक बार परती सुनाओ बिच टेक्निकली फॉल्ट आई था क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि 70 किलोमीटर दूर तक ही जो टोल प्लाजा होने चाहिए लेकिन ये 35 किलोमीटर ही दूर है। किसने बताया ये पापा ने बताया था मुझे पापा ने बताया हाँ फिर पुलिस क्यों लेके चली गई क्योंकि उनके प्रोटेस्ट किया तो उसकी वजह से उनको पुलिस ले गई है अब तो तुम देख सकते हो कि छोटे जे बच्चे भी ये चीज़ पता है। मैं उनके वाइफ के प्रति गल करने की कोशिश करूँ पहले जी आवाज़ जी टुटी ही अस गलबात करा दे लेकिन बिच टेक्निकली फॉल्ट हुई आवाज़ टुटी ही। अच्छा तुम आखा है कि तुम बड़े बारी उन्हें आख्या कि नहीं करा करो एक चीज़ तो मनते नहीं है ना नहीं सर मनते तो है ना लेकिन उनकी स्टार्टिंग को ना जल्द मेरी मैरिज हुई ना उनकी ये मतलब ज़्यादा रुचि है ज़्यादा है कि तो पहले सरपंची इलेक्शन भी उन्हें की लोगों बड़ा योगदान मिले उन्हें लेकिन थोड़े बोर्ड से थोड़ा होइए लेकिन अगे फिर युवा राजपूत सभा ज्वाइन कर ले उन्हें फिर जल्द प्रधान बने फिर उस लगे आखन फिर मैं भी थोड़ी आख्या मैं चलो हरी सिंह की छुट्टी होनी चाहिए कि साढ़े देश के दे राजा है साढ़े जम्मू के लोगों तो पता ही नहीं कि हरी सिंह कौन है पर जल्द इन्हें वो ताई लड़ाई स्टार्ट की काफ़ी लोग आए फिर मैं इन्हें यह गल भी आखी कि राजपूत सभा वाले नहीं होने चाहिए सारी कौम किटी होग तो छुट्टी अलाउंस होनी चाहिए फिर गए चलो मैं भी मैं चलो करा दे ठीक न अपने लाइन च लेकिन उल्ला भी इन्ना है कि राती 12 बजे आंदे हे आई दे एक दो घंटे ताई तो लक्कल तो अद हुई राती 11-12 मतलब एक दो बजे तो सोए नहीं अस धीरे रहे कि चलो आएंगे 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 तीनों में अकेले बच्चे भी रो रहे थे तो मैंने सोचा आएंगे पर पता ही नहीं था 9 बजे के बाद उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो उसके बाद उनका कोई वो नहीं आया दोपहर को आज फ़ोन किया कि हम अंदर हैं तो आगे अभी आया ही नहीं है फ़ोन तो अभी वही देखेंगे चलो कर रहे हैं लड़ाई ठीक है जम्मू के लिए कर रहे हैं तो हमें बड़ी गर्व की बात है लेकिन इसमें सारे जम्मू डोगरे किट्ठे होन ये साड़ी एको है कि अगर ये लड़ा देने तो ये लगता कि किट्ठे है नहीं है नाली क्योंकि आज ये खास कवरेज तो भी है क्योंकि उन्हें सारे सुना दे वो सारे पता की चला था लेकिन परिवार उपर की बीता दी है वो शायद को है नहीं पता तो वह भी कवरेज दसने का एक मेन मोटिव भी है कि आखिरकार तुम के सोचते हो तुम्हारे पर की बीता दी बीता ही सर वो अपनी फीलिंग कौन दसदा लेकिन चलो जल्द अच्छाई पर बात गल आती ना फिर इयै मन करता कि चलो भगवान शायद तुसें इन्नी तां चुनिया जम्मू दे कि वरना कोई ऐरा गेरा तो कोई गया नहीं कन्ने अच्छा काम करा हाँ उ ना हूँ बड़े लोग ने मिगी बड़ी खुशी है कि इन्ने लोग चला दे अन्नी भी इन्ने खुलिये लोग बाहर नहीं आए मेरी इयै अपील है सारे डोगरे कन्ने कि जिन्ने मैं तुसें सनां इसलै ना थोड़े जे भावुक भी होई गेदे न और
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਰੀ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕੇ ਰਾਈਟ ਕੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕੇ ਰਾਈਟ ਕੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਹਰ ਜੰਮੂ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋ ਇਹ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਜੰਮੂ ਕਾ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਕਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ? ਉਸਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਹਮੇ ਸਾਥ ਮੇ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਜੋ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जो आपको सुन रहे हैं वो कुछ कह भी रहे होंगे आपके फादर के बारे में? आपने देखा कभी सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ कहते हैं? हाँ, पापा के बारे में बहुत कुछ आता था मुझे, बहुत ज्यादा, जैसे कि पापा ने बहुत कुछ किया जम्मू के लिए, उनको जम्मू को पहले महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए भी राइट दिलाया, तो वो सुन के मुझे प्राउड भी बहुत ज्यादा फील होता है पापा पे, कि वो मेरे पापा है, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है मुझे। कभी बात करते हैं उनसे कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आपने ये सब की? बहुत प्राउड फील होता है, मैं बोलती भी उनको कि मेरे को क्या बोलते हो? कि मेरे को आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि आप मेरे पापा हो। क्या कहते हैं आगे से? आगे से मुझे यही बोलते हैं कि जम्मू के लिए सिर्फ ये मेरा काम नहीं है करना, ये सबका काम है, जम्मू निवासी का ये फर्ज बनता है कि वो जम्मू के राइट के लिए लड़े। सभी का ये फर्ज बनता है कि वह जम्मू के राइट्स के लिए लड़े, और सीधी तस्वीरें और सीधे इस समय जो कवरेज